नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल जैन लिपि स्टेनोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन रहेगी वो लेसन फोर्थ की डिक्टेशन रहेगी और यह डिक्टेशन 70 WPM की स्पीड से होगी, जो लर्नर्स के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो है आउटलाइंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन होने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नेम से भी सर्च कर सकते हो, जिसका नेम है जैन लिपि स्टेनोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। आशा है इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जनसाधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी। जब यह नया परीक्षण सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। औद्योगिकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। विचाराधीन वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। औद्योगिकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी है। कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगिकरण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा। इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति, जिसे मैं सक्रिय और स्वउद्देश्य तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु न समझने की नीति है। इस नीति के फलस्वरूप हमें
विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। हम प्रसन्न और आभारी है कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊंचा है। इंडो चीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है और हमारे नागरिक यथासाध्य उस देश में शांतिपूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम सभी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या शांति और सद्भावना के वातावरण में सुलझ सकी है। शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुर्भाग्य से मैं आशा करता हूँ कि पुर्तगाल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार करेगा और फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरण करेगा। जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है, हम अपने सबसे निकट के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं। पाकिस्तान के लिए हमारे हृदय में सदैव से पूर्ण सद्भावना और शुभकामनाएं हैं। स्टॉप। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।